Assalamu alaikum. I am here Farina Mohammed. Today our topic is what has made India a federal country, yani ki India kis cheez ne India ko federal country bana diya. To aaj ke topic mein hame dekhna hai, matlab wo kaun si aisi baatein hain jinko dekh ke aisa lage ki India is a federal country. पहला तो ये है, पहले देखते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, रिटन लिखा हुआ है कि इंडिया जो है अलग अलग स्टेट्स का यूनियन है, यानी कि सारे स्टेट्स मिलकर एक यूनियन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. दूसरा है थ्री टेयर फेडरलिज्म, यूनियन, स्टेट एंड पंचायत, पंचायत और लोकल गवर्नमेंट. दैट इज आल्सो रीजन, वन ऑफ रीजन दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री. थर्ड इज थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. तो जो पावर होती है वो थ्री लेवल पे है. सेंटर के पास जो पावर है वो यूनियन लिस्ट में आता है, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेंटर संभालेगा, यानी कि लाइक डिफेंस, तो ये यूनियन लिस्ट में आएगा. डिफेंस हर एक स्टेट के लिए डिसाइड करेगी यूनियन. दूसरा है कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी पावर स्टेट के पास भी होगी, तो वो स्टेट लिस्ट में आएगी. और कंकरेंट लिस्ट वो होता है जिसमें कॉमन इंटरेस्ट्स वाली चीज़ें हैं, जैसे जिसको सेंटर को भी पावर देनी पड़ेगी और स्टेट को भी, यानी कि दोनों के पास हो, जिसकी अथॉरिटी दोनों के पास हो, बोथ सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी, दोनों इस पे लॉज बना सकते हैं. वो चीज़ें आती है कंकरेंट लिस्ट में. लाइक एजुकेशन. फोर्थ इज ऑल स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव आइडेंटिटिकल पावर, एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज. हर स्टेट को सेम पावर नहीं है, किसी को स्पेशल स्टेटस दिया गया है. लाइक नॉर्दर्न स्टेट्स जो इंडिया में है, कुछ तो ट्राइबल लाइक सिक्किम है, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है. तो कुछ स्टेट्स है जिनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, लाइक कश्मीर. तो ये जो है ये भी इसमें आता है. फिफ्थ वन इज चेंज इन पावर शेयरिंग हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट. अगर मान लो जो पावर्स दे रखे हैं सेंटर को, लाइक मैंने पहले भी आपको एग्जांपल से समझाया है, लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट, समझो कोई हेल्थ, जब हेल्थ मिनिस्ट्री हम देखेंगे सेंट्रल लेवल पे, जो सबसे हाईएस्ट डिपार्टमेंट है, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. तो जब उनको पावर शेयर करना हो, पावर शेयर तो कैसे करेगी, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, फिर कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर्स के साथ, स्टेट मिनिस्टर जो उनके स्टेट में होगा, अदर डिपार्टमेंट्स लाइक सेक्रेटरीट, फिर सेक्रेटरीट से जाएगा डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टोरेट से फिर जाएगा ये डीसीज के पास, डीसीज के पास के बाद में जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, फिर उनके बाद ऐसे ही स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो होता है. तो ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम पावर शेयर होते हैं. अगर मान लो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो कि हाईएस्ट लेवल है सेंट्रल लेवल, उसको पावर शेयर करना है, तो उसको किसी स्टेट में मान लो, या
रोल मॉडल के तौर पर हर एक स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है जो कि सारी इंडिया को, लाइक एम्स हमने देखा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, या ऐसे ही कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो एज़ रोल मॉडल हर एक स्टेट के लिए हो, तो उसको लाना है। तो उसके लिए उसको पहले बिल पास करनी होगी पार्लियामेंट में। अगर 2/3 मेजॉरिटी आती है, राज्यसभा भी उसमें कंसिडर होता है, तो फिर ये बिल पास हो जाएगी, तो लॉ बन जाएगा। बिल मींस कि लॉ बन जाएगा फिर बाद में वो। तो ये तो ज़रूरी है, यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी तो वो लॉ बन जाएगा, तभी तो फिर इसको ये इस्टेब्लिश कर पाएंगे। आया ये समझ? फिर हम लास्ट में देखेंगे, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर द एपेक्स कोर्ट विल टेक डिसीजन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो टॉप लेवल कोर्ट होते हैं, अगर मान लो कि कुछ डिसीजंस में कन्फ्लिक्ट हो गया स्टेट और सेंट्रल के बीच में, यानी सेंटर को आपस में, मिनिस्टर्स को आपस में, तो यानी कि उसको सॉर्ट आउट कौन करेगा? कोर्ट। कभी डिस्प्यूट होता है कि कोई पॉलिसी बनाते हैं इंडिया में, कोई पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी या कोई और पॉलिसी होती है जिसके लिए डिस्प्यूट रहता है, तो फाइनली या कोई ऐसा कोई मसला होता है नेशनल लेवल पे जिसको, जो डिस्प्यूटेड रहता है, जिसको ना सेंट्रल गवर्नमेंट हल कर पाती है, ना स्टेट गवर्नमेंट, ना आपस में पार्लियामेंट मेंबर्स, तो वो कॉन्फ्लिक्ट लास्ट में सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, व्हाट हैज़ मेड इंडिया ए फेडरल कंट्री। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।